नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी अभिभावक हैं यानी माता पिता हैं, ये उनके लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, जिन्हें ये सोच रहे हैं कि अब नर्सरी में एडमिशन दिलवानी, उनके लिए जो कि एक सर्कुलर निकला है, बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार ने नर्सरी की एडमिशन के लिए मिनिमम जो एज है उसे निर्धारित किया है और साथ ही साथ परेशानी मुक्त यानी हैजल फ्री जो एडमिशन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरी खबर क्या कि सबसे पहले बताना, कई बार ऐसा होता है बच्चों का बचपन जो है उन्हें स्कूल में ही जाके देखने को मिलता है। जब बच्चों की खेलने की उम्र होती है उन्हें स्कूलों में अगर डाल दिया जाए तो छोटी उम्र में ही बच्चे पढ़ाई के बोझ के तले कहीं ना कहीं दब जाते हैं और उनका बचपन कहीं लुप्त हो जाता है। उसी के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, सॉरी पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप नर्सरी बाल वाटिका कक्षाओं में प्रवेश पाने के इच्छुक बच्चों के लिए यानी कि न्यूनतम आयु मिनिमम जो एज है निर्धारित करने वाला एक नया परिपत्र जारी किया है, यानी कि सर्कुलर जारी किया है। सर बताना चाहेंगे जो सरकारी सर्कुलर नंबर 8 JK 2024 डेटेड 29 नवंबर 2024 ये रेखांकित करता है कि नर्सरी बाल वाटिका प्री स्कूल आंगनबाड़ी कक्षाओं में प्रवेश के लिए कम से कम जो आयु की गणना अब आधार पर की जाएगी। वहीं पर उस वर्ष की 30 नवंबर की कट ऑफ तारीख पर जिसमें नर्सरी बालवाटिका प्री स्कूल आंगनवाड़ी में प्रवेश के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के कश्मीर डिवीजन के साथ साथ जम्मू डिवीजन के शीतकालीन क्षेत्रों में प्रवेश मांगा और दिया जाता है। वहीं पर यह निर्णय कश्मीर डिवीजन और जम्मू के यानी शीतकालीन क्षेत्रों में नवंबर दिसंबर शैक्षणिक कैलेंडर यानी कि बहाली के बाद लिया गया है। विभाग ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें कहा गया है कि इन ग्रेडों में बच्चों की आयु 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 3 वर्ष से कम बच्चों को नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलेगी और अगर एडमिशन लेनी तो बच्चे की उम्र जो है 3 से 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सर्कुलर में इन क्षेत्रों के सभी शैक्षणिक संस्थानों को सुचारू और कुशल प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया। बताना चाहेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि परिपत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर में मुख्य शिक्षा अधिकारियों और स्कूल शिक्षा निदेशालयों सहित सभी जो कि संबंधित अधिकारियों को वितरण किया गया है, यानी जो अथॉरिटी है उन्हें भी अलग अलग तरह की जो बताना चाहेंगे आपको कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सुरेश कुमार गुप्ता या फिर उन्होंने साइन किया उस सर्कुलर को और साथ ही साथ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है जितनी भी रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं, जिसमें इंक्लूड है चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स एंड डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसे जल्द से जल्द सख्ती से पारित किया जाए। वहीं पर इस कदम का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को यानी सुव्यवस्थित करना है। यानी साफ तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने यह आदेश निकाल दिया और इसे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है और यह कहा गया है जो भी बच्चे 3 यानी नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके माता पिता एडमिशन उन्हें दिलवाना चाहते हैं, तो उनकी उम्र जो है 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 3 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। और उसी के साथ साथ बताना चाहेंगे कि बच्चों का बचपन जो है खिलता रहे, बच्चों के बचपन जो खेलने की उम्र है अगर हमें उन्हीं उम्र में अगर स्कूलों में उन्हें भेज देंगे और पढ़ाई का बोझ उन पर डाल देंगे तो उनकी मानसिकता पर किस तरह से गहरा असर पड़ेगा, ये इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए अभिभावकों और साथ ही साथ स्कूल विभाग जितने भी हैं शिक्षा के केंद्र यानी कि जितनी भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उन्हें साफ तौर पर जो कि ये आदेश दिया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सुरेश कुमार हैं उन्होंने रेलेवेंट जो इस सर्कुलर को साइन किया और जितनी भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उन्हें साफ तौर पर जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर आते हैं इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर है उन अभिभावकों के लिए और सारे जितने भी स्कूल हैं
छोटे बच्चे, जहाँ पर बाल वाटिका की बात करें या बात करें नर्सरी जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए साफ तौर पर कहा है, जो प्री स्कूलिंग के लिए या आंगनवाड़ी में है जो भी बच्चे हैं उन्हें जो माता पिता कई बार है बच्चे अभी 2 साल के होते हैं उन्हें आंगनवाड़ी में भेज देते हैं, अगर बाल वाटिका में भेज देते हैं, पर ये सर्कुलर का सख्ती से इम्प्लीमेंट करने के आदेश आए हैं और जो इन आदेशों का अवहेलना करेगा उन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, ये खास करके उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे 1.5 से 2 साल या 2 से 2.5 साल पहुंचे और सोचते हैं फटाफट इन्हें स्कूल भेज दीजिए ताकि शुरू से ही इन्हें पढ़ाई पता चले पढ़ाई क्या, पर ऐसा नहीं होता, बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है, बच्चों का बचपन कहीं ना कहीं खो जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश निकाला है, परिपत्र जारी किया और साफ तौर पर कहा है जितने भी जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी नर्सरी बालवाटिका या प्री स्कूल में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग के जो जम्मू और कश्मीर डिवीजन के शीतकालीन यानी सेशन में है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके लिए एडमिशन की जो प्रवेश की उम्र होगी वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 साल से कम की उम्र को ना ही बालवाटिका में ना ही आंगनवाड़ी सेंटर्स में या फिर ये कहेंगे नर्सरी में जिन्हें एडमिशन लेनी होगी स्कूलों में प्री स्कूल में उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। फिलहाल बड़ी खबर है, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।